यस, प्रीवियस लेक्चर में 10 रूल हो गए थे, तो रूल नंबर 11, ये आपको सारे रूल्स लर्न होने चाहिए पॉइंट वाइज. रूल नंबर 11, इट इज साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, इट इज इक्वल टू 10a + 10b. ऐसे ही रूल नंबर 12, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, इट इज इक्वल टू 10a - 10b. कैसे प्रूफ करते हैं इनका? देखो सीधा सा रूल, प्रूफ पर जब हम चलते हैं, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकाल लो, चाहो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो. मैंने राइट हैंड साइड से लेफ्ट निकाल रहा हूं, 10a + 10b, इट कैन बी रिटन एज साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी. आप कॉस ए कॉस बी को एलसीएम ले लो, तो जैसे ही आप एलसीएम लेते हो कॉस ए कॉस बी, तो देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, कॉस बी की मल्टीप्लाई होगी साइन ए से, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हुआ, तो कॉस ए की मल्टीप्लाई होगी साइन बी से, तो कॉस ए इंटू साइन बी. तो आपके पास रूल बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी. तो रूल याद रखना, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 10a + 10b. 10a + 10b क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस, लिखो इधर भी साइन अपॉन कॉस, एंड देन एलसीएम लो कॉस ए कॉस बी को, तो आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, विच इज द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी. सेम प्रोसेस लगा करके आपको रूल नंबर 12 खुद को प्रूफ करना है. ओके, नोट कर लो और इसको आप खुद प्रूफ करो. नेक्स्ट फार्मूला नंबर 13, इट इज साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए. और ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 14, साइन ए प्लस बी सॉरी साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, इट इज इक्वल टू कॉट बी माइनस कॉट ए. ये डायरेक्ट क्वेश्चनों में अप्लाई होते हैं, ठीक है, एज ए क्वेश्चंस बहुत सी जगहों पर किए हुए हैं ये, पर हम इसे एज ए फार्मूला लर्न कर लेंगे. प्रूफ वेरी सिंपल, आप अपने आप कर सकते हो. कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी को आप लिख सकते हो कॉस बी अपॉन साइन बी, कॉट ए को आप लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए. अब जैसे ही साइन ए साइन बी को एलसीएम लेते हो, साइन बी से साइन बी कैंसल, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए से साइन ए कैंसल, साइन बी इंटू कॉस ए या कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी. सेम मेथड अप्लाई करके आप इसको खुद प्रूफ करोगे. फार्मूला नंबर 14 आपको दिया हुआ है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉट बी माइनस कॉट ए. आप लिख सकते हो कॉट बी को कॉस बी अपॉन साइन बी, इधर कॉस ए अपॉन साइन ए, बीच में माइनस साइन है, आप इधर माइनस आएगा तो आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी. ओके, फिनिश इट योर सेल्फ और जल्दी करना. नेक्स्ट फार्मूले पर आते हैं. मैं जो जो फार्मूले लिखवा रहा हूं उनको एक प्लेन पेपर के ऊपर आपको नोट कर लेना है और सबको लर्न करना है डेली. नेक्स्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, फार्मूला नंबर 15, 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए इट इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 प्लस ए। और ऐसे ही नंबर 16, 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 ए इट इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 माइनस ए। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, सीधा चलते हैं हम प्रूफ के ऊपर। बहुत सिंपल सा प्रोसेस इसके लिए भी आपके पास में, आप इस वाली साइड से प्रूफ करो। 15 नंबर फार्मूला पहले कर रहा हूं, 10 45 डिग्री प्लस ए। आपको याद होगा 10 ए प्लस बी का फार्मूला, इट इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। मैंने जस्ट फार्मूला लगाया बी की जगह पर, यहां पर ए है। 10 45 प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 45 10 ए। 10 45 डिग्री 1, 1 प्लस 10 ए, और इधर भी 10 45 1, तो 1 माइनस 10 ए प्रूव्ड। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह पर अप्लाई होगा। और ऐसे ही सेम प्रोसेस आप इस वाली साइड से इसे प्रूफ कर सकते हो। डू इट योरसेल्फ, आपको खुद करना है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट फार्मूला नंबर 17, इट इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी 10 बी 10 सी माइनस का ही माइनस 10 सी 10 ए। आप लोग क्या पहले खुद ट्राई करो इसे प्रूफ करने की। 10 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी 10 बी 10 सी 10 सी 10 ए। ट्राई इट योर सेल्फ फर्स्ट। चलो इसका प्रूफ करते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा रूल है प्रूफ। 10 ए प्लस बी प्लस सी, मैंने बी प्लस सी को एक सिंगल एंगल मान लिया। 10 ए प्लस बी क्या होता है, इट इज इक्वल टू 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी। अब 10 बी प्लस सी का फार्मूला लगाओ वापस से। 10 ए प्लस 10 बी प्लस सी हो जाएगा 10 बी प्लस 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 बी 10 सी, और इसके अपॉन में 1 माइनस सॉरी इसके अपॉन में, हाँ ठीक है पूरे के अपॉन में ही है, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी प्लस सी इट इज इक्वल टू 10 बी प्लस 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 बी 10 सी। 1 माइनस 10 बी 10 सी इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। इसको एलसीएम ले लो, इसको भी और इसको भी। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे वैल्यू बन जाएगी 10 ए इंटू 1 माइनस 10 बी 10 सी प्लस 10 बी प्लस 10 सी अपॉन इधर 1 माइनस 10 ए 10 बी 10 सी एलसीएम लेते इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10 बी 10 सी माइनस 10 ए इंटू 10 बी प्लस 10 सी अपॉन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया था 1 माइनस 10 बी 10 सी तो वो कैंसल आउट हो गया तो वैल्यू क्या बची 10 ए इंटू 1 10 ए। माइनस 10 ए 10 बी 10 सी तो वो देखो लास्ट में लिख सकता हूं और ये रहा 10 बी प्लस 10 सी पॉजिटिव है तो 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी अपॉन 1 माइनस 10 बी 10 सी माइनस 10 ए 10 बी माइनस 10 सी 10 ए तो इट इज इक्वल टू अपॉन में 1 माइनस 10 ए 10 बी 10 बी 10 सी 10 सी 10 ए।
डन प्रूव्ड. रिपीट करता हूं आपको करना क्या है. टेन ए प्लस बी प्लस सी लिया तो इसे लिखा टेन ए प्लस बी प्लस सी. अब टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया तो इट इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस सी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी प्लस सी. टेन बी प्लस सी को वापस ओपन किया तो टेन बी प्लस टेन सी अपॉन वन माइनस टेन बी टेन सी. इधर भी टेन बी प्लस टेन सी अपॉन वन माइनस टेन बी टेन सी. एलसीएम लिया और सॉल्व किया. सिंपल कैलकुलेशन. ठीक है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, अपने आप कर सकते हो फिर आप. ओके, राइट डाउन. अगर वहां वाला क्लियर नहीं दिख रहा हो तो खुद कैलकुलेट कर लेना. देखो नेक्स्ट नेक्स्ट फार्मूला 18. इफ ए प्लस बी इक्वल टू सी हो, इफ ए प्लस बी इक्वल टू सी हो देन 10a 10b 10c then 10b 10c 10a. या यू लिख देता हूं 10a 10b 10c 10a 10b 10c इज इक्वल टू 10c माइनस 10a माइनस 10b होता है. अगर a प्लस बी इक्वल टू सी हो तो 10a into 10b into 10c is equal to 10c minus 10a minus 10b होता है. Prove it yourself first. चलो देखो मैं करता हूं, आप लोग मैच करो आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. a plus b equal to c दिया हुआ है. मैं दोनों साइड्स में 10 ले लेता हूं तो 10a plus b equal to 10c. 10a plus b का फार्मूला 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b. It is equal to 10c. Now just cross multiply. तो वैल्यू क्या आएगी? 10a plus 10b equal to 10c. इसकी भी मल्टीप्लाई हुई तो minus 10a 10b 10c. ये जो इधर नेगेटिव हो रहा है इसको इस तरफ ले जाओ तो पॉजिटिव बन जाएगा. तो वैल्यू क्या आएगी? 10a 10b 10c. और ये जो दोनों इस साइड में ऐड हो रहे हैं इसको उधर ले जाओ तो प्रूफ हो गया. देखो 10c माइनस 10a माइनस 10b. हमने कुछ भी नहीं करा क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ a प्लस बी इक्वल टू सी दिया हुआ था, मैंने दोनों साइड्स में 10 ले लिया इधर भी और इधर भी. तो 10 a plus b equal to 10 c. 10 a plus b का फार्मूला लगाया 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a 10 b और जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया. सीधा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन ही सीधा फार्मूला. ठीक है, 18 फार्मूले यहां पर अपने कंप्लीट होते. चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस बी माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस बी क्या होगा? ऑप्शन है नंबर वन साइन ए प्लस बी, नंबर टू साइन ए माइनस बी, नंबर थ्री कॉस ए प्लस बी, नंबर फोर कॉस ए माइनस बी. प्रूव इट. आपके पास इसको प्रूफ करने के लिए 15 सेकेंड है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है इस क्वेश्चन के लिए. मैं वेट ही कर लेता हूं, 15 सेकंड मोर देन इनफ है. हो गया, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन. क्वेश्चन को देखो 45 डिग्री माइनस है 45 डिग्री माइनस बी, इधर भी 45 डिग्री माइनस है 45 डिग्री माइनस बी. तो सीधा मिल रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी.
तो ये हो जाएगा cos a प्लस b 45 और 45 90 डिग्री cos 90 डिग्री माइनस a माइनस b इट कैन बी रिटन एज लाइक दैट cos 90 डिग्री माइनस a प्लस b cos 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू sin थीटा तो sin a प्लस b हो गया आंसर नंबर वन फिनिश्ड ये 15 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था 5 सेकंड का था यस नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इट इज इक्वल टू sin 45 डिग्री प्लस a इंटू cos 45 डिग्री माइनस a अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझ लिया है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है देन नेक्स्ट sin 40 cos 45 डिग्री प्लस a इंटू sin 45 डिग्री माइनस a की वैल्यू क्या होगी ऑप्शन अपने आप रखो ठीक है सॉल्व इट 5 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम तो 5 सेकंड भी इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा थे देखो सीधा सा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी ए प्लस का ए माइनस का कैंसल 45 डिग्री और 45 डिग्री ऐड हो गए साइन 90 डिग्री इट इज इक्वल टू 1 खत्म हो गया क्वेश्चन चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन ये भी 10 सेकंड का क्वेश्चन है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस ए कॉस बी सॉरी कॉस बी कॉस सी फिर प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए क्या होगा फिनिश इट विद इन 10 सेकेंड चलो देखो आप आज की क्लास में इसका फार्मूला लिखाया है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी आपको फार्मूले याद होने चाहिए साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी होता है 10 ए माइनस 10 बी साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस सी बन जाएगा 10 बी माइनस 10 सी और साइन सी माइनस ए हो गया अपॉन कॉस ए 10 सी माइनस 10 ए देखो 10 ए प्लस का 10 ए माइनस का कैंसल 10 बी माइनस का 10 बी प्लस का कैंसल 10 सी से 10 सी कैंसल इट इज इक्वल टू 0 आंसर हार्डली 2 से 3 सेकेंड का क्वेश्चन है ये चलो वन मोर क्वेश्चन 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू 10 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा सॉरी 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होगा ऑप्शन है 1 0 माइनस 1 एंड 2 4 ऑप्शन हमारे पास है इसको करने के लिए आपके पास है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट होता है वैसे तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है 15 सेकंड का लेकिन फिर भी 1 मिनट ले लो चलो देखो बहुत सीधा क्वेश्चन है 10 45 डिग्री प्लस थीटा ये हमने फार्मूला लिखा था 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 3 पाई बाई 4 का मतलब है 135 डिग्री 10 135 डिग्री होता है माइनस 1 फिर भी आप इसे लिखते हो तो 10 135 डिग्री प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 135 डिग्री 10 थीटा तो ये हो गया 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा और ये हो गया 10 135 डिग्री मतलब माइनस 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 इधर भी माइनस का 1 आया तो माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1 ये आया 1 प्लस 10 थीटा से 1 प्लस 10 थीटा कैंसल आउट माइनस 1 प्लस 10 थीटा यानी कि ये हो गया 10 थीटा माइनस 1 ये हो गया 1 माइनस 10 थीटा सेम नंबर है बस साइन अपोजिट है लिख लो फिर भी माइनस को कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 10 थीटा
अपॉन वन माइनस टेन थीटा, कैंसिल करते ही बना माइनस वन आंसर। फिर कहूंगा फार्मूले रिवाइज करने हैं, फार्मूले याद होने चाहिए आपको। वन क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, प्रूव दैट, लो सर प्रूफ वाला करो, प्रूव टेन थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स होगा। प्रूफ कर दो इसे, और इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास 15 सेकंड होने चाहिए, ठीक है, आप लोग ले लो जितना लेना है। देखो जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इधर 3x, इधर 2x, इधर x मिल रहा है, तो अगर देखो तो इन दोनों का एडिशन यही तो है, क्योंकि 3x होता है 2x प्लस x। ये उसी तरह से फार्मूला बन गया जो मैंने आज करवाया था, फार्मूला नंबर 18 पे लिखा था, a प्लस बी इक्वल टू सी हो देन 10c इंटू 10a इंटू 10b इंटू 10c इज इक्वल टू 10c माइनस 10a माइनस 10b, फार्मूला बन जाएगा। फिर भी नहीं याद हो तो ये लो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, दोनों तरफ 10 ले लो, 10 3x इक्वल टू 10 2x प्लस x, इट कैन बी रिटन एज 10 2x प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 2x 10x इज इक्वल टू 10 3x, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आया 10 3x माइनस 10 3x 10 2x 10x इज इक्वल टू 10 2x प्लस 10x, एक तरफ ले जाओ इसको तो क्या आ गया, बस प्रूव्ड 10 3x माइनस ये, और इसको उधर ले जाओ, प्रूव्ड, ठीक है। आई थिंक ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया होगा आपसे। चलो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, कॉस ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू एम एंड साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल टू एन है, देन कॉस ए प्लस सॉरी साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू, सी ऑप्शन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन टू, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ओके लेट्स ट्राई, तो देखो आप जैसे इसको सॉल्व करते हो हर ऑप्शन की तरफ देखा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो सब में ही है, तो एक बार एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सीधा करके देख लो, और उसका फायदा क्या होगा जब आप स्क्वायरिंग करोगे, देखो क्या फायदा होता है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस टू कॉस ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस टू साइन ए कॉस बी। अगर आप इसको साथ में लिखते हो, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी वन, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन प्लस वन टू, इधर टू कॉमन आया तो अंदर वैल्यू रही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, हो गया। तो ये टू इधर जाकर के माइनस कर दो, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी, तो टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आकर के डिवाइड हो गया। रिपीट करता हूं, स्क्वायरिंग और एडिंग करी क्योंकि सारे आंसर्स में मिल रही थी, उससे एकदम इजीली दिख गई, तो
तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी वन, और ये टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। आगे आपके पास आंसर, राइट डाउन। यस, वन मोर क्वेश्चन। कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है जीरो वन माइनस टू एंड टू, फोर ऑप्शन हमारे पास है। ओके, सॉल्व इट। ध्यान से देख लो, कॉट एक्स कॉट टू एक्स कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स, बीच में माइनस है, क्या होगी वैल्यू? देखो, कॉट एक्स कॉट टू एक्स कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स, वापस से वन टू थ्री एंगल्स वही मिलते हैं, एक एक्स एक टू एक्स एक थ्री एक्स। तो अगर मैं वापस से वही बात करता हूं, थ्री एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स, दोनों तरफ कॉट ले लो, ये हो गया कॉट टू एक्स प्लस एक्स। कॉट ए प्लस बी का फार्मूला वन माइनस कॉट ए प्लस बी, क्या होता है फार्मूला? आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आप कॉट ए प्लस बी का फार्मूला लिखते हो, क्या होता है फार्मूला? कॉट ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू कॉट थ्री एक्स। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉट थ्री एक्स कॉट टू एक्स प्लस कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स इक्वल टू कॉट टू एक्स कॉट एक्स माइनस वन। इसको इधर ले जाओ, सॉरी इन सबको उधर ले जाओ, तो वैल्यू बन जाएगी कॉट एक्स कॉट टू एक्स, शायद हो गया, ये दोनों उधर जाते ही माइनस हो जाएंगे, और ये वाला माइनस वन इधर आती प्लस हो गया। तो फार्मूला बना कॉट टू एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स कॉट टू एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स इक्वल टू वन। राइट डाउट।